चैलेंज उन्होंने करा था, मॉस्को की खुली हुई थी जिसके हमने फाइव पैकेट्स करे थे, ठीक है, उसके बाद हमने खुली और मिली और आज हमने थर्ड पीस खुली हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, ठीक
ठीक है ना, चाहे आप लोग बेनिफिट्स हो या मतलब उनके लिए एक काम एक जुनून होता है। अगर एक काम के अंदर जुनून जब सवाल होता है तो पॉजिटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव है तो उसको मोटिवेट करना बहुत आसान होता है, मोटिवेट करा सकते हैं। तो ये थ्योरी थी एक्स और वाई थ्योरी की, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्पिटिंग वेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू टू प्रिंसिपल ऑफ इट एंड देयर वर्किंग फॉर ऑल द बेनिफिट्स। और वाई थ्योरी जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो नेगेटिव सोच रहा है उल्टा उसका मतलब पॉजिटिव, यानी वो काम भी करना चाहता है काम करना चाहता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। ओके, यहाँ पे मतलब पनिशेबल ऑफेंस उसको डर दिखाना पड़ेगा, वहां पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज नेगेटिव थिंग एंड दैट इज पॉजिटिव थिंग। उस गिवन बाय द ग्रेटर गॉड, दैट ग्रेटर ने वो फैसिलिटी दी थी। तो हमने तीन थ्योरी पढ़ी है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था थ्योरी के अंदर गॉस्पेल की थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने फाइव थिंग्स बताए थे, सोशियोलॉजिकल सेफ्टी साइकोलॉजिकल सारे चीजें हमने बताए थे। ठीक है, हमने एक पिरामिड से लाया था, एक पिरामिड बताया था। ठीक है, इसके बाद हमने पॉस्टल की मोटिवेशन के लिए टू फैक्टर्स की भी पढ़ी, और आज हमने ये पढ़ा है एक्स एंड वाई। ये कमी आपको और रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या है। टोटल हमारे पास पांच वीडियो, थ्योरी बहुत इजी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो पॉइंट्स दे रखे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या समझते हैं उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट्स। आपको जो पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे हैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद उस पॉजिटिव सेशन में नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे। अगर आप एक्स एंड वाई नेगेटिव जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी है, तो कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं नेगेटिव पॉइंट उसके बाद में लिखते हैं। इसके अंदर इसके बाद और बचेगी, इसके बाद ये थ्योरी और बचेगी, उस थ्योरी में हम देखेंगे क्या है, थोड़ी सी एडवांस थ्योरी है वो थ्योरी क्या कहती है, वो थोड़ा सा सबसे हटके अलग थ्योरी होगी, तो आप देखिए क्या होता है। तो ये थैंक यू।